नमस्कार साथियों, रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है अभ्यर्थियों को इंतजार है इस दिन का कि किस दिन जो है अभ्यर्थियों की फ़ीस रिफंड होगी। तो फीस रिफंड के लिए फॉर्म जो है भराए जा रहे हैं। किस तरीके से आप जो है जो आपने एप्लीकेशन यानी कि आवेदन करते समय जो फीस भरी थी वो फीस जो है ग्रुप डी द्वारा रिफंड की जाएगी। जो अभ्यर्थी पास नहीं हुए हैं उन अभ्यर्थी की फ़ीस जो है उनके अकाउंट में रिफंड की जाएगी। ऐसे में जो है आप किस तरीके से अपना बैंक अकाउंट जो है सबमिट करेंगे। साथ ही बात करें एस सी और एस टी कैंडिडेट्स को जिनकी फ़ीस कम थी उनको 250 रुपये मिलेंगे, जबकि ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस एमबीसी कैंडिडेट्स को 400 रुपये जो है यहाँ पे फीस रिफंड किए जाएंगे। यानी कि 100 रुपये जो है यहाँ पे काटा जाएगा और उसके अलावा बचा हुआ जो शुल्क है वो वापस उनके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा। चलिए किस तरीके से आप जो है सबमिट करेंगे, मात्र इस 5 मिनट की वीडियो को देख के आप भी लगभग 250 से लेकर 400 रुपये तक आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको जो है दूसरा तरीका मैं बता दूं, आपको यहाँ पे टाइप करना है sarkaririzalt.com। जैसे आप sarkaririzalt टाइप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ग्रुप डी फीस रिफंड के नाम से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको ग्रुप डी के ऊपर क्लिक करेंगे आप नीचे की तरफ आएंगे। नीचे की तरफ आने के बाद आपको यहाँ पर जो है देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा ऊपर ही ऊपर फॉर अपडेट बैंक अकाउंट डिटेल क्लिक हेयर। इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप इस तरीके से वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना पंजीकरण संख्या यानी कि आपने जो आवेदन किया था उस समय जो रजिस्ट्रेशन नंबर था वो रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है। उसके बाद यहाँ पे उस कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ जन्मतिथि और ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डाल के सबमिट कर देना है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो आपको नीचे की तरफ आना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे रेड कलर बॉक्स में पंजीकरण संख्या भूल गए हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से डिटेल आएगी। सबसे पहले आपको अपना जोन जो है सेलेक्ट कर लेना है, किस जोन से आपने जो है फॉर्म भरा था। जैसे हम बात करें जिन्होंने जयपुर से फॉर्म भरा था या कहीं से भी आपने फॉर्म भरा था वो जोन सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आप चाहे तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या आधार नंबर आप कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बेहतर होगा आप यहाँ पे अपना आधार नंबर टाइप कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपनी ये कैप्चर कोड डाल के और सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे नीचे की तरफ जो है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो होगा और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको कहीं पर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर चलिए हम बैक आते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना किस तरीके से आप जो है होम के ऊपर आएंगे। होम के ऊपर आने के बाद यहाँ पे पूरी डिटेल आपको मैं बताता हूँ ये सबमिट करके। यहाँ पे साथियों मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर यानी पंजीकरण संख्या डाल ली है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जो है ये कैप्चर कोड देख सकते हैं S44P आपको सेम जो है यहाँ पे टाइप करना है। कैपिटल और स्मॉल का आपको ध्यान रखना है और उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही आपका यहाँ पे कहाँ से आपने अप्लाई किया था पूरी डिटेल यहाँ पे कैंडिडेट्स का नेम और कितने रुपए आपको यहाँ पे आपने 500 रुपये किए थे 400 रुपये आपको जो है रिफंड किया जाएगा। पूरी डिटेल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप यहां पे नीचे देखेंगे 500 रुपये आपने दिया था 400 रुपये आपका जो है रिफ़ंड किया जाएगा और यहां पे पूरी डिटेल बैंक डिटेल आपको दिखाई देगी। आपको जो है दोबारा से बैंक डिटेल भरनी होगी। इस तरीके से आप जो है अपनी पूरी डिटेल भर के आपको लास्ट में सबमिट करना है, फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद जिस दिन से पैसे रिफंड किए करने शुरू होंगे उसी दिन से आपके अकाउंट में पैसे जो है ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।